राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार और निगम के बीच फंड के लिए लड़ाई अभी भी जारी है। कभी केजरीवाल निगम से फंड की बात करते हैं तो कभी निगम केजरीवाल से फंड की बात करता है। इसी कड़ी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील की है और कहा है कि जल्द से जल्द निगमों का 1,000 करोड़ से भी ज्यादा फंड, जिसमें उत्तरी दिल्ली नगर निगम का 460 करोड़ रुपए बनता है, उसे अरविंद केजरीवाल जी देने की कृपा करें। जी हां, क्या है पूरा मामला खुद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर बता रहे हैं। मैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर इस महासंकट में राजनीति छोड़ काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम समेत तीनों निगमों के पैसे दिल्ली सरकार ने पहली तिमाही के रोके हुए हैं। जो तिमाही हमारी अप्रैल के फर्स्ट वीक में आती है, आज मई का दूसरा हफ्ता है, उसके बावजूद भी हमारा 460 करोड़ रुपया पहली तिमाही का और ट्रांसफर ड्यूटी का लगभग 100 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने नहीं दिया है। तीनों निगमों की बात करें तो 1,000 करोड़ से ज़्यादा ये रकम बनती है। तो मेरा निवेदन है कि सफाई कर्मचारी यूनियन लगातार हमें चिट्ठियाँ दे रही है, लेटर दे रही हैं और वो धमकी दे रही है कि अगर हमारे को सैलरी नहीं मिली तो हम हड़ताल पर जा सकते हैं। ऐसे में अगर दिल्ली के अंदर कूड़े की समस्या आ गई, संक्रमित कूड़े की समस्या आ गई, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की होगी। मैं बार बार फिर निवेदन कर रहा हूँ, पिछले 20 दिन से लगातार मैं उनको पत्र लिख रहा हूँ, उनको मेल डाल रहा हूँ कि कृपा करके हमारा पैसा जारी करें। हमारी फाइल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी के ऑफिस में रखी हुई है। मेरा उनसे भी निवेदन है, कृपा कुछ मानवता के आधार पर, हर समय राजनीति ठीक नहीं होती, राजनीति के समय में राजनीति करना, अभी लोगों को बचाना है, निगमों का पैसा जारी करो ताकि हम लोगों को वेतन दे सकें और निगम जो इस समय में अच्छा काम कर रही है उनके कर्मचारी और आत्मविश्वास से काम कर सकें।